कैनेडियन गवर्नमेंट को इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देने चाहिए। भारत ने इस चीज को सीरियसली ले लिया है एंड इंडिया अब कनाडा से एक कदम आगे चल रहा है, बिकॉज इंडिया के द्वारा कनाडा के साथ अपनी डिफेंस डील्स को तोड़ने की धमकी ऑलरेडी दे दी गई है। भारत ने एक सवाल पूछा कनाडा से, बोला कि ठीक है आप कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का गैंग यहां पे एक्टिव है, पिछले कुछ सालों में हमने 26 बार बोला है, 26 बार कागज में लिख के दिया है कि ये गैंग मेंबर्स हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनको वापस भारत भेजा जाए। आपने तो चिट्ठी का जवाब भी नहीं दिया। इंडिया अपनी आर्मी के लिए कनाडा से कुछ व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाली थी एंड अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो वाली जो हमारी डील थी उसको लेकर इंडिया ने अभी जो बातचीत है उसको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। आप लोग काफी टाइम से हम प्रयास कर रहे थे ये बला टालने का, तो हमें ट्रूडो ने ये कारण दे दिया जिस वजह से ये अमेरिका के द्वारा जो है ना कहते हैं चिपकाया हुआ डील, वही चिपकाया हुआ डील बड़ी मुश्किल से हमने हटाया है। ये पहली बार है भारत किसी एक सिंगल वर्ल्ड लीडर को टारगेट कर रहा है, क्योंकि दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अब उल्टा इंडिया ने उनको कहना शुरू कर दिया कि जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हैं कनाडा में उसके ऊपर एक्शन ले, खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो अब ये इंडिया और कनाडा का रहेगा। जो लिबरल्स हैं, जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की, वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है, और सिग्नेचर कैंपेन ये है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं पागल आदमी है ये, हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहाँ पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने कनाडा को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कुछ दिन पहले कनाडा के एक मिनिस्टर ने कहा था कि भारत पे सैंक्शंस लगाएंगे, उसके जवाब में कनाडा तो नहीं लगा पाया, लेकिन भारत सरकार ने ही विदेश मंत्रालय तक कड़ा कदम उठाया कि कनाडा के साथ जो डिफेंस डील थी उसको कैंसिल कर दिया या उसे डिले कर दिया है फिलहाल के लिए। अब भारत करोड़ों डॉलर की कुछ व्हीकल्स, आर्मी व्हीकल्स, आर्म व्हीकल्स खरीदने वाला था कनाडा से, और ये जो व्हीकल्स थे ये आर्मी के लिए यूज होने थे। अभी भारत सरकार ने फैसला किया है कि हम इसको नहीं लेंगे और भारत में ही जो बने हुए व्हीकल्स है उन्हीं को ही लिया जाएगा। यानी कि एक तरफ कनाडा को भी सबक सिखाया है, दूसरी तरफ अमेरिका को भी एक कड़ा संदेश दिया है कि हम ऐसे झुकने वाले नहीं हैं। भारत वो पहले वाला भारत नहीं है, नया भारत है, ये मोदी का भारत है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत सरकार का कदम बिल्कुल ठीक है? आपकी जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। यानी साफ साफ ये कहा है कि चूंकि डिप्लोमेटिक संबंध हमारे बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, बल्कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड भी कर दिया गया है, तो इंडियन आर्मी का जो प्लान था जिसके चलते वो कनाडा से स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स को प्रोक्योर करने वाले थे, वो प्लान्स को फिलहाल के लिए हॉल्ट कर दिया गया है। पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से कनाडा के द्वारा पूरी कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से ये वाले जो व्हीकल्स हैं इंडिया को बेचे जाएं, बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत इन व्हीकल्स को जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही इवेंचुअली शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लेकर मना कर दिया गया है। अगर हम लोग इन स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें तो ये दोस्तों बहुत ही पुराने आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, काफ़ी लंबे टाइम से कनाडा के द्वारा इन व्हीकल्स को बनाया जाता है एंड ये वाले जो व्हीकल हैं ये यूएसए की जो मिलिट्री है भारी मात्रा में वो इनका इस्तेमाल करती है। आप लोग यहाँ पे देखिए कि टोटल जो व्हीकल्स इन्होंने आज दिन तक बनाए हैं, कंपनी का नाम है जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा, ये कनाडा के जाने माने शहर ओंटारियो में देखने को मिलती है। टोटल व्हीकल्स इन्होंने 4900 के आसपास बनाए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 4500 जो है वो केवल और केवल बेसिकली यूएसए की आर्मी के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 8 पहियों वाला आर्मर्ड व्हीकल है जो कि अलग अलग ट्रेन्स पे चलने में सक्षम होता है और काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ रखता है, जिससे कि ये एक अच्छा इन्फेंट्री व्हीकल यहाँ पे माना जाता है। नाउ इंडिया का प्लान यहाँ पर क्या था, और इस प्लान में भी अमेरिका था जो कि एक तरीके से कनाडा की तरफदारी कर रहा था, अमेरिका ही था जो कि कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा था कि ये वाला जो आप ये पूरा का पूरा व्हीकल है इसको हम लोग इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे एंड इसके माध्यम से इंडिया इसी पर्टिकुलर आर्मर्ड व्हीकल को चाइना के खिलाफ लद्दाख में भी डिप्लॉय कर पाएगा। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा था वही कि स्टार्टिंग में आप लोग कुछ कुछ जो इसके यूनिट्स हैं इसको आप लोगों
को ओंटारियो प्लांट से ही सप्लाई करवा देंगे एंड धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए को प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया में उसको एस्टैब्लिश करेंगे और वहीं से ये वाले जो व्हीकल्स हैं ये इंडियन आर्मी को मिलते रहेंगे। और आपको बता दूं ये बहुत बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज असल में ये वाले आर्मर्ड व्हीकल के कॉम्पिटिशन में एक इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड व्हीकल था जो कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन में था लेकिन इंडियन आर्मी ने इसको नहीं चूज किया था, कैनेडा के इस व्हीकल को चूज किया था जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज था। लेकिन दोस्तों आज की घड़ी में जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है कहा गया है कि उस चीज को लेकर कोई फॉरवर्ड मूवमेंट फिलहाल नहीं होगी एंड ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को भी आगे ले जाने का जो फैसला है वो एक बार के लिए रोक दिया गया है। रीजन आई थिंक आई डोंट इवन नीड टू टेल यू, रीजन काफी ऑब्वियस है। पिछले 4-5 दिनों से हम लोग जो भी गतिविधियां देख रहे हैं बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा उसी के चलते यहाँ पर ये वाला जो कदम है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है तो याद कीजिए इंडिया ने ये कनाडा वाले व्हीकल को जब चूज़ किया था तो इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड एक व्हीकल था उसको यहाँ पे इग्नोर किया था, उसको यहाँ पे कंपटीशन से निकाल दिया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो शायद वही जो इंडिया के द्वारा इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म है इसको वैप कहा जाता है इसी को प्रोक्योर करने वाले हैं। यहाँ पे पियर पोलिवरे ने बोला है कि जस्टिन ट्रूडो झूठ बोल रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि जो लिबरल्स हैं जो उनकी खुद की पार्टी है जस्टिन ट्रूडो की वहां पे एक सिग्नेचर कैंपेन दोस्तों चल पड़ी है और सिग्नेचर कैंपेन यह है कि ट्रूडो को गद्दी से उतारो, कुर्सी से उतारो ट्रूडो को। खुद जो लिबरल पार्टी के मेंबर्स हैं कह रहे हैं पागल आदमी है, यह हमें हरवा देगा इलेक्शंस, ये बकवास करता है। उन्होंने खुद बोला है कि साहब तुम्हारे चलते यहां पे कैनेडियंस के पास घर नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, यहां पे फूड क्राइसिस चल रहा है कनाडा में। लोग जो पहले इतने डॉलर का इतना खाना ले पाते थे अब इन्फ्लेशन इतना हो गया कि वो लोग खाना नहीं खा पा रहे ठीक से, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो कहते हैं तुमने यार हमारी रिलेशनशिप भारत के साथ बर्बाद कर दिया। बिल्कुल देयर इज अ वे टू डील ना, डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है, आप अपना मुंह नहीं फाड़ सकते कहीं भी आपको लगा आप वहां पर खड़े होकर आपने मुंह फाड़ दिया। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर डालता है, अमेरिका खुद भारत के साथ अच्छा बना हुआ है, आप देख लेना कभी भी अमेरिका ऐसी बातें नहीं करेगा, कुछ कुछ बोलेगा, एक दो सख्त बयान देगा, फिर बोलेगा अच्छा प्रेडेटर की डील कर ली है, ये हथियार की डील कर ली है, भारत हमारा डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारी की सारी अंग्रेजी अमेरिका बोलेगा। लेकिन अमेरिका को एक ऐसा कुत्ता चाहिए जो भौंके भी और काटे भी, और अमेरिका कह सके कि भाई कनाडा तो दूसरा देश है, अमेरिका तो है नहीं, ये तो ट्रूडो कह रहा है, इसमें हमारा क्या लेना देना, जैसे चाइना करता है। चाइना के पास भी, और ये मैं नहीं कह रहा, तो प्लीज कोई पाकिस्तानी मुझे कमेंट्स में मत लिखना कि आप गंदी बातें कर रहे हैं हमारे खिलाफ, मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा। ये कहा गया है कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, वन इज नॉर्थ कोरिया एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। जब भी चाइना को लगता है कि इसको काटो यहां भौंको तो इन दोनों को छोड़ देता है। ये सच है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे कमेंट्स नहीं है, ये लोगों के कमेंट्स हैं जो लोगों ने करे हैं कि चाइना हैज गॉट 2 मैड डॉग्स, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि भारत सरकार ने कितना कड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने बहुत ही सीरियसली लिया कनाडा के मिनिस्टर की इस धमकी को और बिल्कुल सही उत्तर एक दिया है। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, कनाडा हो या अमेरिका, अब भारत सरकार या भारत की विदेश नीति किसी के आगे झुकती नहीं है। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। भारत सरकार बार बार इस चीज़ को दिखाती है और ये बहुत ही सही चीज़ है कि पहले जिस तरह से सरकार काम करती थी और जिस तरह से चीज़ें होती थी वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। अब कनाडा को समझ में आ गया होगा, कनाडा में बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं जस्टिन ट्रूडो का, क्योंकि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ अपने वोट बैंक की खातिर इसने भारत और कनाडा के संबंधों को खराब कर दिया है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।